हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे COVID-19 मैनेजमेंट के बारे में, कि जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं घर पे COVID-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स की, कि कोरोना वायरस से जब संक्रमित होते हैं आप तो उसके बाद घर पे ही उसका इलाज जो है हम किस तरह से करें। तो सीखते हैं डिटेल में ये वीडियो लेक्चर में और जानते हैं COVID-19 मैनेजमेंट एट होम। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 2 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से। आईफोन यूजर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं COVID-19 इन्फेक्शन के बारे में, कि COVID-19 इन्फेक्शन इज ड्यू टू द नोवेल कोरोना वायरस, कि जिसको हम कहते हैं 2019 NCOV, मतलब कि जो नोवेल कोरोना वायरस के कारण जो इन्फेक्शन फैल रहा है जिसको हम COVID-19 इन्फेक्शन कहते हैं। और ये वायरस की जो हम फैमिली देखें तो कोरोना वायरस इस फैमिली के जो वायरसेस है वो एनिमल्स को भी असर करते हैं और साथ साथ ह्यूमंस को भी, मतलब कि उनकी जो असर है वो एनिमल्स पे भी है एंड ऑल्सो ऑन ए ह्यूमन। तो एज वी ऑल नो दिस बिकम द पेंडेमिक एंड कोज द इन्फेक्शन टू सो मेनी पीपल, कि हम सब जानते हैं कि अब ये जो डिसीज़ है वो पेंडेमिक बन चुका है ऑलरेडी और इसके बारे में हम सभी लोग अच्छे से जानते, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब जानते हैं उसके सिम्टम्स के बारे में, कि कौन से अलग अलग सिम्टम्स वगैरह जो है वो डेवलप होते हैं COVID-19 से इन्फेक्टेड होने के बाद। तो सबसे पहले जो हम सिम्टम देखें तो वो है फीवर। 88% जितने लोगों को फीवर का जो सिम्टम्स है वो डेवलप होता है। फिर ड्राई कफ की भी कंडीशन देखने को मिलती है, कि जिसको हम कहते हैं सूखी खांसी। अराउंड 68% जितने लोगों को ड्राई कफ का भी प्रॉब्लम होता है। एब्डोमिनल पेन होता है कुछ लोगों को, फिर बॉडी के अंदर पूरा पेन रहता है, कोल्ड की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, फिर कफ जो हम कहते हैं कफिंग होना तो वो भी डेवलप होता है। उसके बाद डायरिया भी देखने को मिलता है एज अ सिम्टम। लॉस ऑफ स्मेल, कि आपको जो भी आसपास आपके कुछ चीज़ें हैं, कोई परफ्यूम है समझो, कोई बदबू भी आ रही है, कोई खाने की स्मेल है तो भी आपको वो स्मेल नहीं आपको पता चलेगा, तो लॉस ऑफ स्मेल जैसी कंडीशन हो जाती है। लॉस ऑफ टेस्ट, इवन जो भी कुछ आप खाना खा रहे हैं तो उसका भी आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा। तो लॉस ऑफ टेस्ट के अंदर मेनली ये है कि जो भी कोई आप खाना खाते हैं उसका आपको टेस्ट ही पता नहीं चलता, कि किस टाइप का उसका टेस्ट है वो कम्प्लीटली चला जाएगा, और ऑल्सो द स्मेल। तो ये दो न्यू सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं अब COVID-19 के अंदर। फिर ड्राई माउथ की भी कंडीशन फॉर्म होती है, कि आपके माउथ के अंदर ड्राइनेस जैसा फील होता है, सलाइवरी सिक्रेशन कम होने के कारण ये होता है। नज़ल ब्लॉकेज के भी जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हेडेक फील होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं और वीकनेस। फिर दूसरे हम देखें तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम के अंदर जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, काफ़ी सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट्स को। फिर सॉर थ्रॉट भी डेवलप होता है कुछ लोगों के अंदर, कि मिनिमम 15% जितने केसेस जो है वो सॉर थ्रॉट के भी देखने को मिले, कि जिसके अंदर पेशेंट्स को सॉर थ्रॉट होता था आफ्टर COVID-19 इन्फेक्शन। फटिक, कि जिसको हम वीकनेस कहते हैं, ये तो एक सबसे मेजर सिम्टम हम कह सकते हैं, बिकॉज ये इन्फेक्शन के कारण आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी वीकनेस आ जाती है, कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर कहा जाता है फटिक। और मसल्स पेन रहेगा, बॉडी पेन रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, तो ये सब सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो अब जानते हैं प्रॉपर होम मैनेजमेंट्स कैसे किया जा सकता है, कि जैसे ही आपका COVID-19 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है और सिम्टम्स भी आपके अंदर है, तो उसका होम मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट को आइसोलेट कर देना सबसे पहले। तो जो सेल्फ आइसोलेशन की जो हम बात करते हैं, कि सेल्फ आइसोलेशन मतलब कि होम क्वारंटाइन करना पेशेंट को, कि घर पे ही आप जो है एक अलग रूम के अंदर प्रॉपर जो पेशेंट को आइसोलेट कर दे, कि जिसको कहा जाता है सेल्फ आइसोलेशन। फिर ऑब्जर्वेशन जरूरी है, कि पेशेंट को रेगुलर ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। तीसरा देखिए तो आयुर्वेदिक काढ़ा आप उसको दे सकते हैं, हेल्दी डाइट,
वार्म वाटर, स्टीम इन्हेलेशन एंड मेडिसिन कोर्स। तो ये 7 ऐसी स्ट्रेटजीज रहेगी कि जिसके कारण हम जो है वो आसानी से होम मैनेजमेंट कर पाएंगे COVID-19 इन्फेक्टेड पर्संस की। तो सबसे पहले जानते हैं सेल्फ आइसोलेशन की। तो सेल्फ आइसोलेशन मतलब कि जब आपका RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट, कि RT-PCR आप करवाते हो या फिर RAT करवाते हो रैपिड एंटीजन टेस्ट, और वो आता है पॉजिटिव और साथ साथ आपको सिम्टम्स भी है, तो जो ट्रीटमेंट है COVID-19 की उसका फर्स्ट स्टेप रहेगा कि सेल्फ आइसोलेशन। तो सेल्फ आइसोलेशन का जो पीरियड रहेगा वो मिनिमम 14 डेज जो है वो रहेगा, कि 14 डेज तक जो है वो पर्सन को आप अच्छे से सेल्फ आइसोलेशन के अंदर रखते हैं एक अलग से रूम के अंदर, और ऐसा रूम होना चाहिए कि जो प्रॉपर वेंटिलेटेड भी है और सभी तरह से पेशेंट जो है वहाँ पे कंफर्टेबली रह सके, इस तरह से आप उसको अच्छे से सेल्फ आइसोलेट कर दीजिए। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम टेक प्रॉपर केयर ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ एंड डू द रेमेडीज, की जो भी रेमेडीज हमें करनी है जो अब आगे हम समझेंगे, तो इस तरह से आप रेमेडीज करें। तो मिनिमम 14 डेज का ये सेल्फ आइसोलेशन पीरियड जो है वो अच्छे से आपको जो है वो हैंडल करना है, कि जिससे पेशेंट की जो है वो रिकवरी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो अब समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस की। जैसे हमने मैनेजमेंट के अंदर सेकंड पॉइंट देखा था कि वाइटल साइंस मतलब कि बॉडी के जो अलग अलग साइंस है, कि एक टेम्परेचर, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो रेगुलरली बॉडी टेम्परेचर जो है वो पर्सन का चेक करते रहना चाहिए। और सेल्फ आइसोलेशन में रहे जो पर्सन है वो खुद भी अपना बॉडी टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर को यूज़ करके चेक कर सकता है। फिर आप उसको ऑक्सीमीटर दो, तो जिससे उसका ऑक्सीजन लेवल भी वो चेक करते रहेंगे, और नॉर्मल जो हम कहें तो 94 और उससे अबव रहता है ऑक्सीजन लेवल, तो उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। फिर पल्स रेट कि जो नॉर्मल रहते हैं 60 से 100 के बीच में नॉर्मल हार्ट रेट होते हैं या फिर पल्स रेट। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ब्लड शुगर लेवल भी आप चेक करते रहिए, एंड ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए ब्लड प्रेशर भी चेक करते रहना जरूरी है। तो ये था ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस, कि जिसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप थर्मोमीटर खास पेशेंट को दीजिए, डायबिटिक है तो ग्लूकोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, वरना नॉर्मल पेशेंट्स को ग्लूकोमीटर की ज़रूरत नहीं है। फिर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस सिर्फ और सिर्फ जो BP के पेशेंट हैं उनके लिए है। फिर नेबुलाइजर भी आप उनको दे सकते हैं, स्टीम इन्हेलेशन वगैरह के लिए भी आप डिवाइस उनको दे सकते हैं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट है ये ऑक्सीमीटर के, जिससे आप ऑक्सीजन लेवल जो है वो देख चेक कर सकते हैं। और हर 2 घंटे पे, कि एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे पे आप बॉडी टेम्परेचर देख चेक करिए एवरी 2 आवर। उसी तरह से ऑक्सीमीटर से भी हर 2 घंटे में आप अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करते रहिए, और हो सके तो एक सीट बना के भी आप जो है उसके अंदर लिख सकते कि अलग अलग टाइम पे आपका बॉडी टेम्परेचर कितना रहता था या फिर आपका पल्स रेट कितना रहता था, वो भी आप जो है वो नोट डाउन कर सकते, कि जिससे आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में कितना रह रहा था और धीरे धीरे उसके अंदर प्लस माइनस हो रहा है या नहीं, वो आपको पता चले। अब देखते हैं तीसरा मेन इम्पोर्टेंट, तो जो होम रेमेडीज के अंदर जो हम आयुर्वेदिक काढ़ा की जो बात करते हैं, तो आयुर्वेदिक काढ़ा आप किस तरह से बनाओगे, तो गर्म पानी करना है सबसे पहले तो, और वो गर्म पानी के अंदर आपको डालना है जिंजर, कि जो हम अदरक कहते हैं, कि जिंजर डायरेक्टली हो तो उसको भी आप डाल सकते हैं उसको क्रश करके, या फिर उसका पाउडर है तो पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तुलसी के लीफ खास यूज़ करें, ब्लैक पेपर की जिसको हम काली मिर्च कहते हैं वो डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट, या फिर उसके पाउडर भी वहाँ पे डाल सकते हैं आप, टर्मेरिक का पाउडर, क्लव, सॉल्ट एंड सिनामोन पाउडर, और ये सभी को आप जो है वो मॉर्निंग में उसका काढ़ा बना के पेशेंट को दीजिए, कि जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा कि जो ये जो है वो गर्म पानी का भी काम करेगा, तो मॉर्निंग में जब पेशेंट ये आयुर्वेदिक काढ़ा लेता है तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कि अब पूरी रात सोने के बाद सुबह आप देखो तो कई बार नज़ल कंजेशन जैसा होता है, कि नाक बंद हो गया है, ब्रीथिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या फिर सॉर थ्रॉट जैसी कंडीशन की आपको गले में खारस जैसा लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स है उनको कंट्रोल करने में ये आयुर्वेदिक काढ़ा जो है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा।
साथों साथ उसके जो इंग्रेडिएंट है वो इम्यूनिटी बनाए रखने में भी हेल्प करके, कि जो रोग प्रतिकारक शक्ति हम कहते हैं, तो डिसीज के सामने लड़ने के लिए जरूरी है इम्यूनिटी की। तो ये जो है वो इम्यूनिटी भी देगा और जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है उनसे भी आपको जो है वो राहत देगा। फिर चौथा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर हेल्दी डाइट जो है वो देना जरूरी है पर्सन को, कि आप अलग अलग वेजिटेबल से डिफरेंट, कि रोज़ जो उनको जो खाना देते हैं आप, तो खाने के डिश के अंदर अलग अलग वेजिटेबल्स का आप इंक्लूड करें डेली। फिर प्रोटीन कंटेनिंग जो हम फूड कहते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड करें, फ्रूट्स इंक्लूड करें, जैसे कि फ्रूट्स भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, कि एप्पल्स दे सकते हैं उनको, ऑरेंजेस वगैरह उनको दे सकते हैं, लेमन दे सकते हैं, और हो सके तो ऑरेंज का जूस है, लेमन जूस वो उनको देते रहें। फिर बटर मिल्क भी आप दे सकते हैं लिक्विड के अंदर, के खाना खाने के साथ जो आप बटर मिल्क भी उनको दे सकते हैं। ऑल्सो ड्रिंक के प्लेंटी ऑफ वाटर, काफ़ी पानी पीना चाहिए, कि जिससे पेशेंट जो है वो हाइड्रेटेड रहे, कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, खास ज़रूरी है ये इन्फेक्शन के दौरान, तो प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे पेशेंट, इसलिए ये सब रेमेडीज़ जो है वो करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर बात आती है वार्म वाटर की, तो पूरा दिन जब भी आपको प्यास वगैरह लगती है तो ठंडा पानी नहीं पीना है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। वार्म वाटर का मतलब ये है कि आप जो है वो ऐसा पानी पिएंगे कि जो फ्रिज का नहीं है, थोड़ा सा गर्म पानी है, किस तरह से, तो ध्यान ये रखना है कि पानी बॉयल किया हुआ नहीं होना चाहिए, बट कीप इन माइंड दैट वाटर नॉट बी बॉयल, ओनली लिटल वार्म, कि आप भले बॉयल कर लेते हैं वाटर, बट थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही उसको लीजिए, कि जिससे आपके ओरल म्यूकोजा को कोई डैमेज ना हो, कि डोंट यूज़ द कोल्ड वाटर, यूज़ नॉर्मल वार्म वाटर। कोल्ड वाटर तो लेना ही नहीं है, कि जो फ्रिज का पानी होता है, बर्फ़ वाला पानी होता है, वो तो लेना ही नहीं है, बट जो आप गर्म पानी पियोगे थोड़ा, तो वो ऐसा पानी कि जो गर्म करने के बाद, बॉयल करने के बाद उसको थोड़ा ठंडा कर लेते आप, वो यूज़ करें। एंड डू नॉट यूज़ द बॉयल वाटर इफ़ इट विल डैमेज योर ओरल म्यूकोजा, कि डायरेक्टली वो काफ़ी बॉयल किया हुआ गर्म पानी आप पी लेंगे तो उससे आपका ओरल म्यूकोजा डैमेज हो सकता है और वहाँ पे अल्सर भी कर सकता है, फिर ये जो पूरा थ्रॉट का पोर्शन है वो वहाँ पे भी डैमेज करवा सकता है। तो ध्यान में ये रखना है कि बॉयल किया हुआ नहीं, जस्ट वार्म वाटर, कि जो फ्रिज में रखा हुआ नहीं है बट नॉर्मल आपके मटके के अंदर रखा हुआ है, आपके वाटर बैग के अंदर रखा हुआ है, तो ऐसा पानी लीजिए। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टीम इन्हेलेशन, किस तरह से जो हम प्रॉपर बॉडी को का जो ऊपर का जो पोर्शन है हेड को कवर करके, कि आपका जो हेड है वो पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए, और ये जो टॉप कि जिसके अंदर आपने गर्म पानी रखा हुआ है, तो वो गर्म पानी से जो है वो आप स्टीम इन्हेलेशन कर सकते, कि यू कैन टेक द स्टीम इन्हेलेशन बाय बॉयल द वाटर इन एनी सिंपल पॉट एंड ट्रांसफर इट इन ए प्लास्टिक टब और एनी अदर सुटेबल कंटेनर, के प्लास्टिक टब के अंदर या फिर जो भी आपके लिए सुटेबल कंटेनर हो उसके अंदर वो पानी को ट्रांसफ़र करें एंड कवर इट यूजिंग द टावल सो यू कैन टेक द स्टीम प्रॉपरली। स्टीम लेने से काफ़ी फ़ायदा होता है, रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स होते हैं उसमें से आपको काफ़ी राहत मिलती है, एंड यहाँ पे आप नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते। तो ये था एक स्टीम इन्हेलेशन सिर्फ वाटर से, कि यहाँ पे ओनली वाटर यूज़ किया है आपने, यहाँ पे सिर्फ ओनली वाटर को यूज़ करके ही आपके स्टीम इन्हेलेशन ले रहे हैं। अगर आपको सूटेबल हो तो आप ये जो इन्हेलेशन के लिए जो कैप्सूल्स आते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, उनको भी यूज़ कर सकते, कि जिसके अंदर इंग्रेडिएंट रहते हैं मैंथोल रहता है, टर्पिनियोलॉल रहता है, क्लोरोथाइमोल रहता है, कैम्फर रहता है, यूकेलिप्टस ऑयल रहता है, तो ये सभी वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग मेडिकेशंस कहे जाते हैं, और ये इस तरह से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर होते, कि जो आपको ऐड करना होता है ये वो वाले बॉयल वाटर के अंदर, और इस तरह से आप स्टीम इन्हेलेशन ले सकते हैं। तो ये इससे फ़ायदा क्या होगा, दिस विल एलिमिनेट द सिम्टम्स लाइक कंजेशन इन अ चेस्ट, तो चेस्ट कंजेशन के अंदर काफ़ी हेल्प करता है ये, कि कई बार कफ वगैरह काफ़ी जमा हो जाते हैं चेस्ट के अंदर, वहाँ पे टाइटनेस जैसा फील होता है, तो उसके अंदर हेल्प करेगा नज़ल कंजेशन, बिकॉज ये कोरोना वायरस के अंदर मेनली आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, तो उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए ये
स्टीम इन्हेलेशन जरूरी है, और उसमें भी जब आप ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स ये ऐड करके फिर इन्हेलेशन लेते हैं, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ फील होता है, काफ़ी आप कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड ये जो है वो आप दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, कि आप मॉर्निंग में 1 बार ले सकते हैं, फिर हो सके तो इवनिंग में, और एक रात को सोने से पहले भी आप स्टीम इन्हेलेशन लेकर फिर सो सकते हैं। तो उसकी इफेक्ट क्या रहेगी, कफ सप्रेशन, क्या कफिंग को कम करेगा, एंड साथों साथ कूलिंग इफेक्ट देगा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, कि जिससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। साथों साथ ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसके, इनके पास एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी भी है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है, कि जो इन्हेलेशन रूट से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से ये सभी बेनिफिट्स जो है वो आपको देते हैं। तो ये भी एक खास आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द COVID-19 इन्फेक्शन। अब समझते हैं मेडिसिन के कोर्स को अच्छे से, कि मेडिसिन का कोर्स आपको किस तरह से लेना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल के जो टैबलेट्स है कि जो हम फीवर में यूज़ करते हैं, तो ये टैबलेट कब खानी है वो आप खास समझ लें, कि जब आपको फीवर होता है, कि जब फीवर हो, कि जब बुखार होता है तो ही ये टैबलेट लेने होते हैं, और ये मैक्सिमम दिन में 3 टैबलेट ले सकते हैं आप, उससे ज़्यादा टैबलेट मत लेना, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, कि जो हमने ऑलरेडी इंडिविजुअल लेक्चर बनाए हुए हैं पैरासीटामल के ऊपर, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप ये पैरासीटामल के बारे में डिटेल में समझ सकेंगे, कि उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या होता है, ओवरडोज लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये खास, बिकॉज पैरासीटामोल जो है वो लीवर डैमेज करवा सकता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी करवा सकता है, अल्सर्स करवा सकता है, तो उसको प्रॉपर डोज में ही लेना जरूरी है, और जब फीवर हो तब भी, कि अगर आपके कोविड इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी समझो कि फीवर का सिम्टम्स नहीं है, तो पैरासीटामोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो सिर्फ फीवर होने पर ही आपको पैरासीटामोल खानी है। फिर एजिथ्रोमाइसिन, कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसी दिन से आपको जो है वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लेना स्टार्ट करना है, मिनिमम 3 से 5 दिन तक डेली 1 टैबलेट आपको लेनी है रात को, कि 001, मतलब कि रात को सोते समय ये एजिथ्रोमाइसिन के 500 मिलीग्राम वाला टैबलेट जो है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको 500 मिलीग्राम का टैबलेट नहीं मिला, और समझो कि 250 मिलीग्राम की टैबलेट मिली है मार्केट से, तो वो जो है वो आपको दिन में 2 बार लेनी है, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से हो जाएगा 101, कि एक 250 मिलीग्राम वाली टैबलेट आप मॉर्निंग में लेंगे, और दूसरा 250 मिलीग्राम वाला जो टैबलेट है वो आप जो है पेशेंट को नाइट में देंगे। तो इस तरह से है, और ये रहेगा समझो कि आप 5 दिन के लिए लेते हैं, तो टोटल 10 टैबलेट्स आपको परचेस करनी पड़ेगी, और 5 दिन के लिए जो 500 मिलीग्राम का ले रहे हो तो सिर्फ 5 टैबलेट, या फिर 3 दिन में ही समझो कि आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिल रही है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से, तो उसको 3 दिन तक लेना ही जो है वो प्रॉपर मुनासिब रहेगा। अब जो है वो तीसरा मेडिकेशन वो है आइवरमेक्टिन के जो टैबलेट आते हैं, तो आइवरमेक्टिन आपको सिर्फ 3 दिन के लिए नहीं खानी है, और ये भी आप लोगे रात में, तो वो 12 मिलीग्राम का जो टैबलेट आते हैं आइवरमेक्टिन का, इस पे भी हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है इंडिविजुअल, वो आप खास देख सकते हैं, तो उसके भी लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सिर्फ 3 दिन के लिए खानी है, और प्रिस्क्रिप्शन 001 रहेगी। फिर CPM के टैबलेट, क्लोरफिनारामाइन मैलेट, कि जो यूजली एंटी हिस्टेमाइन मेडिकेशन है, कि जो एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, साथों साथ हम कहें कि कफ एंड कोल्ड की जो कंडीशन होती है, कॉमन कोल्ड की जो फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसमें CPM काफ़ी यूजफुल रहता है, तो वो 4 मिलीग्राम के टैबलेट आप यूज़ करिए, और उसको भी दिन में एक ही टैबलेट लेनी है आपको 4 मिलीग्राम की, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक आप उसको ले सकते हैं, कि जब आपको कोल्ड जैसा भी है और कंजेशन जैसा भी फील होता है कई बार। फिर पेंटोप्राजोल, तो पेंटोप्राजोल हम सभी को पता है कि वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, और एसिडिटी को कम करने के लिए एसिड प्रोडक्शन कम करता है आपके स्टमक में, तो ये क्यों लेने चाहिए साथ में, तो जो ऊपर जो मेडिसिन है कि लाइक पैरासीटामोल है, एजिथ्रो, आइवरमेक्टिन, CPM, और दूसरे भी हम मेडिसिन डिस्कस करेंगे इसके साथ जो आपको यूज़ करनी है, तो ये टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स के कारण कई बार एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एसिडिटी जैसा फील होता है, तो वो ना हो
इसलिए ज़रूरी है कि ये पेंटोप्राजोल टैबलेट्स लेना कि वो 40 मिलीग्राम और वो आप लेंगे दिन में दो बार और 1 आवर बिफोर मील, खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है वो लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक आप उसको यूज़ करें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन सी के टैबलेट्स के, जो इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए डिसीज़ की सीवियरिटी को भी वो कम करेगा, कि जो विटामिन सी का आप लेक्चर आप खास देखना तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मैंने पूरे सभी बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं विटामिन सी के। तो जो लिमसी के टैबलेट आते हैं विटामिन सी के अंदर, तो वो लेने हैं आपको दिन में 3 टैबलेट, एक मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, और 15 दिन तक वो आपको टैबलेट कंपलसरी खाने हैं विटामिन सी के। फिर साथों साथ मल्टी विटामिन के जो आप 30 दिन तक खाएंगे, टोटल 30 टैबलेट्स आप परचेस करें और डेली 1 टैबलेट, बिकॉज ये जो है वो वीकनेस में भी काफ़ी हेल्प करेगा कि COVID-19 के इन्फेक्शन से रिकवर होने के बाद बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, कई बार मुंह के अंदर छाले जैसा भी हो जाता है, माउथ अल्सर्स होता है कि जो मेडिसिन के कारण साइड इफ़ेक्ट होती है कई बार, तो उसमें भी ये टैबलेट्स हेल्प करेंगे और आपकी जो वीकनेस होगी, फटीग की कंडीशन होगी, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा मल्टीविटामिन जिंकोवेट टैबलेट्स, तो वो भी आपको लेते रहना है COVID-19 पे इन्फेक्शन के दौरान। फिर विटामिन D3 जो है उसका भी काफ़ी हेल्प बेनिफिट्स है COVID-19 के अंदर, तो वो आपको लेने हैं 2 बार इन ए वीक, तो टोटल जो है वो 4 टैबलेट परचेस करें आप। तो आइसोलेशन का जो 14 डेज का पीरियड है, तो ये फर्स्ट 7 डेज और दूसरे 7 डेज, तो 7 डेज के ये वीक के अंदर ये 1 टैबलेट आप मंडे को लेते हो, तो दूसरा जो है वो ट्यूसडे को लीजिए, उसी तरह से दूसरे वीक में भी 1 मंडे को और 1 ट्यूसडे को, इस तरह से प्रॉपर 2 या 3 दिन के जो गैप रखे वीक में जो है वो आप 2 टैबलेट्स लीजिए विटामिन D3 के। और सबसे इम्पोर्टेंट डेक्स्ट्रोमीथरफान का कॉफ सिरप, कि जब भी आपको ऐसा फील होगा कि आपको कॉफिंग अप हो रहा है चेस्ट के अंदर और कफ काफ़ी जमा हुआ है ऐसा भी फील हो रहा है, या फिर कफिंग की जो ड्राई कफ भी हो रहा है, तो उस वक्त आप जो है वो डेक्स्ट्रोमीथरफान के कफ सिरप लीजिए, और जब भी कफिंग जैसा होता है 5 ml जितना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 15 ml, 15 ml से ज़्यादा कंज्यूम मत करना पर डे, बिकॉज ये भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है ऑलरेडी डेक्स्ट्रोमीथरफान पे कि 15 ml या फिर उससे ज़्यादा लेने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उसमें भी सेडेशन, ज़्यादा नींद आ सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो ये रहा आपके लिए मेडिसिन का कोर्स, कि जब होम आइसोलेशन में पेशेंट होते हैं तो ये सब मेडिसिन वो यूज़ कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि कौन से साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो गए कि ये जो मेडिसिन कोर्स है, तो एक तो स्लीपीनेस, किस तरह से पेशेंट जो है वो उसको नींद आती रहेगी, या फिर कुछ केसेस के अंदर इनसोमनिया देखने को मिलता है, तो पर्सन टू पर्सन कई बार ये वेरी करता है कि कुछ लोगों को इनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण नींद आती रहती है, या फिर कुछ लोगों को इनसोमनिया मतलब कि नींद ही नहीं आएगी, लॉस ऑफ स्लीप, लेट नाइट तक वो जागते ही रहेंगे, नींद ही नहीं आएगी, वो एक प्रॉब्लम होता है। फिर डिक्रीज इन एपेटाइट, कि खाना खाने का मन नहीं होगा आपको, भूख आपकी कम हो जाएगी ऐसा फील होता है, और वेट लॉस भी होता है उसके कारण। फिर हम देखें तो ड्राई माउथ भी देखने को मिलता है, कि रिकवर होने के बाद भी आपको 5 दिन, 10 दिन या फिर 15 दिन तक भी कई बार ड्राई माउथ जैसा फील होता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, और कई बार लेग पेन की कंडीशन और कुछ लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, तो वो मेडिसिन के कारण भी है और एज वेल एज ये जो इन्फेक्शन हुआ कोरोना वायरस का, तो उसके कारण भी ये सब सिम्टम्स जो है वो आपके अंदर डेवलप होते हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट आफ्टर रिकवरी। तो अब ये ध्यान रखिए कि रिमेंबर दिस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, ये खास स्किप मत करना, बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखिए कि नो नीड ऑफ फॉलोइंग मेडिसिन इफ पेशेंट इज स्टेबल एंड सो रिकवरिंग होम क्वारंटाइन, कि सेल्फ आइसोलेशन के अंदर जो अभी हमने टोटल 7 रेमेडीज देखी मेडिसिन कोर्सेज के साथ, तो उससे समझो कि पेशेंट रिकवर हो रहा है तो नीचे दी गई मेडिसिन को देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले फेविपिरावीर की, जिसके तो फेविपिरावीर के जो फेविफ्लू करके जो टैबलेट आते हैं, तो वो क्या है, एंटीवायरल मेडिकेशन है और माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को दिया जाता है कि जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो ये खास ध्यान रखें कि जो फेविपिरावीर के जो टैबलेट्स है
वो जो घर पे होम आइसोलेशन के अंदर हैं उनको ये टैबलेट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो नो नीड, ये खास ध्यान रखो कि नो नीड ऑफ फॉलोइंग मेडिकेशंस। तो एक फेविपिरावीर की घर पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो आप जो है वो होम क्वारंटाइन के दौरान या फिर जो सेल्फ आइसोलेशन में पेशेंट है वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो मेडिकेशन सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट को ही देना ज़रूरी होता है। इसलिए जो अगर आप होम क्वारंटाइन है तो ये टैबलेट्स को यूज़ ना करें, बिकॉज ये सिर्फ तभी दिए जाते हैं कि जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है और उसके सिम्टम्स समझो कि मॉडरेट है, ना ही माइल्ड है ना ही सीवियर है, इंटरमीडिएट कंडीशन है या फिर माइल्ड से मॉडरेट की ओर हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ही ये एंटीवायरल मेडिकेशन यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड, रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो आते हैं वो भी घर पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेडिकेशन सिर्फ सीवियर सिम्टम्स के लिए ही है और वो भी जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं। तीसरा, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन को भी घर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो है वो स्टेरॉयड क्लास का मेडिकेशन है, तो उसको भी घर पे यूज़ ना करें, बिकॉज उसके जो इंजेक्शन कि जो डेक्सोना के इंजेक्शंस आते हैं उसके टैबलेट भी आते हैं, तो वो जो है वो घर पे देना सूटेबल नहीं है। ओनली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए ही डेक्सामेथासोन जो है वो यूज़ किया जाता है, वो भी ज़रूरत पड़ने पर ही। फिर मिथाइलप्रेडनिसोलोन भी कई बार यूज़ किया जाता है कि कुछ पेशेंट्स को डेक्सोना के इंजेक्शन या फिर कुछ लोगों को मिथाइलप्रेडनिसोलोन दिया जाता है, तो वो भी सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए हैं। उसी तरह से जो डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो भी होम क्वारंटाइन पेशेंट को देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज डॉक्सीसाइक्लिन के कंपेयर में एजिथ्रोमाइसिन जो है वो काफ़ी अच्छी इफेक्ट देता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ ना करें कि अगर आप घर पे होम क्वारंटाइन है और आपका घर पे ही इलाज चल रहा है। और नंबर छः, हिपेरिन की भी ज़रूरत नहीं, कि जिसको हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन आता है। तो अगर पेशेंट अच्छे से रिकवरी दे रहा है, कि जो हमने अभी जो मेडिसिन जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किए, तो वो मेडिसिन ही इनफ है। ये सब मेडिकेशंस तब भी यूज़ करनी कि जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए ही ये मेडिकेशन से, अगर आप घर पे है तो ये मेडिकेशन यूज़ ना करें। तो ये खास आपके लिए मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड की है ये वीडियो के अंदर। फिर बात करें कि अब हॉस्पिटलाइज कब करना है पेशेंट को, कि होम क्वारंटाइन है बट कौन सी ऐसी कंडीशंस हो जाती है तब उसको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप जो है वो ब्लड रिपोर्ट और जो CRP जो हम कहते हैं ब्लड CRP कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो लेवल होता है वो चेक करना होता है। तो एवरी फाइव डेज आप ये जो है वो चेक करते रहिए, और साथों साथ जो ऑक्सीजन लेवल है और जो टेम्परेचर है वो 2 या 3 घंटे पर चेक करते रहिए। तो कौन सी ऐसी कंडीशन आती है तब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो आप CRP चेक करवाते हैं एवरी 5 डेज, ब्लड रिपोर्ट भी चेक करते हैं, और साथों साथ ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर हर 2 घंटे पे आप चेक करते हैं। तो नीड हॉस्पिटलाइजेशन इफ़ ऑक्सीजन लेवल इज़ बिलो 90, कि जो SpO2 को जो हम बात करते हैं वो 90 से भी कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर यू हैव टू अरेंज द ऑक्सीजन। एंड पेशेंट हैव ए डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, कि पेशेंट को अब ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है उसको हॉस्पिटलाइज करने की खास ज़रूरत है, या फिर आप ऑक्सीजन का जो अरेंजमेंट है वो भी करवा सकते हैं घर पे। सेकंड, फीवर इज़ नॉट कंट्रोलिंग इवन आफ्टर टेकिंग द पैरासीटामोल। दूसरी कंडीशन की फीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, कि पेशेंट इवन मैक्सिमम जो डोज है पैरासीटामोल के दिन में 3 टैबलेट तो खा ही रहा है, फिर भी उसका फीवर कंट्रोल में नहीं है, काफ़ी हाई फीवर रह रहा है, तो ज़रूर है कि अब उसको होम क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है वो प्रॉपर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में आप उनको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए तुरंत। तीसरा, CRP लेवल, कि CRP लेवल जो है वो काफ़ी हाई है, 15 माइक्रोग्राम पर ml, और जो हर 5 दिन पर आप जो रिपोर्ट करवाते हैं, तो क्या होता है कि CRP जो स्टार्टिंग में जो होता है, कि स्टार्टिंग में समझो कि पेशेंट का आपने पहले ही दिन CRP करवाया था तो एटलीस्ट था समझो कि 22 जितना था। अब मेडिकेशंस देने के बाद आप 5 दिन के बाद CRP लेवल चेक करते हैं और वो CRP लेवल समझो कि हो जाता है 15,
तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीआरपी जो है वो कम हो रहा है, फिर से आप 3-4 दिन या फिर 5 दिन बाद चेक करते तो वो सीआरपी जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, 10 या फिर उससे भी अब कम हो रहा है कि चलो 7 या 8 जितना हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि सीआरपी लेवल जो है वो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं सीआरपी कम हो रहा है, बट उससे विपरीत कंडीशन हो रही है कि स्टार्टिंग में जो था सीआरपी आपने एडमिट जो घर पे होम क्वारंटाइन किया पेशेंट को तो सीआरपी सिर्फ 10 था, 5 दिन के बाद आप करते हो तो 25 जितना है। तो जैसा ही ये 5 दिन के बाद सीआरपी इतना हो चुका है और इंक्रीज ही हो रहा है तो उस वक्त जो है वो आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर जो मैंने बात की अभी की जो एंटीवायरल मेडिकेशंस की बात हुई तो उससे फिर उसका हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर इलाज हो सके। और चौथा पॉइंट कि स्टमक पेन, कि पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन हो रहा है स्टमक के अंदर इवन आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशंस, कि चलो कि वो पेंटोप्राजोल जैसे मेडिकेशन ले रहे हैं फिर भी उनको जो है वो स्टमक पेन काफ़ी हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर उनको ज़रूर से हॉस्पिटलाइज करना चाहिए कि जिससे उनका आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो हो सके, कि जो अभी हमने बात की कि एंटीवायरल मेडिकेशन है या फिर स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है स्टेरॉइड्स उनको दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल के अंदर एंटीकोगुलेंट भी दिया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है पेशेंट को तो ऑक्सीजन भी उनको प्रॉपर वहाँ पे जो है वो अरेंज हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है वो COVID-19 मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो थैंक यू फॉर गेटिंग दिस लेक्चर। फार्माडॉक्स के जो लेक्चर्स नोट्स होते हैं वो फार्माडॉक्स के ऐप ऊपर एक्सेस कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी है, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्माडॉक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।